कांग्रेस जैसी महामारी में हर कदम पर मोदी और योगी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस आज मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करने के कारण निशाने पर आ गई है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस एक सत्याग्रह नाम से मुहिम चला रही है, जिसमें कांग्रेसी जरूरतमंदों को खाने के पैकेट और मास्क बांटकर अपना विरोध दर्ज करा रही है। ये कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जेल से रिहाई कराने के लिए चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर और उनकी टीम कुनरकी विधानसभा क्षेत्र में जहां पहुंची, जहां पर स्थानीय नेताओं ने भीड़ इकट्ठा कर रखी थी, खाने के पैकेट और मास्क बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई गयी वो देखने लायक थी, क्योंकि भीड़ में ज्यादातर बच्चे ही नजर आ रहे थे और खाने का सामान लेने के लिए आपाधापी मची हुई थी। अब देखना है कि कांग्रेस द्वारा आयोजित कराए जा रहे इस तरह के कार्यक्रम कोरोना संक्रमण बढ़ाने में कितने भागीदारी निभाते हैं। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को मजदूरों की सेवा करते हुए जिस प्रकार गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ता उसके विरोध स्वरूप सेवा भाव से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन असहाय लोगों को व राहगीर लोगों को खाना वितरित कर रहे हैं। खाने में हम लोग पूड़ियों का पैकेट है, उसमें सब्जी है, लड्डू है और पानी की बोतल है और मास्क है, इन चीज़ का हम गांव-गांव जाकर वितरण कर रहे हैं। मैं गले में रुमाल डाले हुए था, जो मेरा रुमाल जो है नीचे गिर गया था भीड़ में, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास जो है अपनी सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध थी, जेब में थी, हो सकता है मैं इस कारण निकाल नहीं पाया हूँ। देखिए, कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी रखी थी, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश की गई, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, बार बार समझा रहे हैं और आगे से और ख्याल रखेंगे कि हम जहाँ जिन लोगों में जाएं उन लोगों को सामाजिक दूरी का भी के लिए जागरूक करें और खुद भी पालन करें। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विनोद गुम्बर जी और मुरादाबाद शहर के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी साहब और NSOI के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश पाल जी मुरादाबाद से आए थे और ITM ग्रुप के चेयरमैन और हमारे वालिद मोहतरम जनाब हाजी शरफुद्दीन पाशा भी वहाँ पर मौजूद थे। लगभग पाँचवा दिन है आज और ये पूरा पखवाड़ा चलना है, एक सप्ताह चलना है। 12 तारीख तक ये अभियान चलेगा। 12 तक हम इसी तरह गरीब, ज़रूरतमंद और निर्धन लोगों को गांव-गांव जाकर इसका खाने का वितरण और पानी का वितरण, भूखे को खाना और प्यासे को पानी और मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सब चीज़ें वितरित करेंगे। ये हमारा एक विरोध का अंदाज है कि हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष को विरोध, प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं और सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। जनता से अपील करना चाहते हैं, सबसे पहले तो सरकार के जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना वायरस को लेकर, सामाजिक दूरी बनाए रखें, लोगों को जागरूक करें, एक जगह इकट्ठा ना हो, धारा 144 का भी पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को सुरक्षित रखें, हाथ धोएं, इसके अलावा अपने आप को सुरक्षित रखने का खुद प्रयास करें, यही जनता से अपील है। खुले बाजारों में ना जाएं, अधिक लोग एक जगह इकट्ठे ना हों, बसों में भीड़ की तरह ना जाएं और बाकी हम लोग खुद सुरक्षा करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा।